अभी मैं जा रहा हूँ सफरी वर्ल्ड और मेरिन पार्क की टूर करने। जो लोग खुद से आना चाहते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सो सफरी वर्ल्ड कंप्लीट कर लिए हैं, अभी मेरिन पार्क पे आए हैं। सवाना नाम का एक इंडियन रेस्टोरेंट है। ये है नॉनवेज का काउंटर, ये वाला सलाद का काउंटर है। सफरी वर्ल्ड मेरिन पार्क का जो टूर था वो ख़त्म हो गया है। अगर हो सकता है तो मैं आज बायोक्स का ही टावर भी जाऊंगा रात को और मैं आपको दिखाऊंगा भी वहीं से कि शहर को देखने में कितना सुंदर लगता है रात में। तो फ्रेंड्स अभी 8:15 हो रहा है और मैं घर आया सिटी टू सफरी वर्ल्ड करके घर आया। उसके बाद थोड़ा फ्रेश हुआ, बैटरी को चार्ज किया और उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ प्रतनम पे, जो बायोक्स का टावर है वहीं पे। तो देखता हूँ आज हो पाता है कि नहीं, क्योंकि 8 बजे सब बंद हो जाता है। बायोक्स का टावर कितने बजे बंद होता है वो मुझे पता नहीं है। तो फिलहाल मैं बायोक्स का टावर चलता हूँ। मैं यहाँ से बाइक लेने वाला हूँ, बाइक टैक्सी, पूछते हैं इनसे कितना लेगा। बायोक्स का टावर, टफनम मार्केट बायोक्स का टावर, हाउ मच? 55? नो 20। हां 20। ओके, सो यहां से टफनम जाने के लिए बाइक बोल रहा है 50 बार, तो मैंने 20 बोला नहीं, आप आगे जाइए। तो अच्छा हुआ मैं बाइक टैक्सी नहीं लिया, क्योंकि मैं वेबसाइट में अभी देखा कि ऑब्जर्वेशन डेस्क और रिजर्विंग जो डेस्क है वो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। तो फिर मैं पैदल ही जाऊंगा, बेकार में 50 बार क्यों देना है। और मैं पूरा दिन आज सफरी वॉल किया तो थोड़ा सा टायर्ड हूँ, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 मिनट वॉक कर ही सकते हैं, इसमें क्या है। तो फिलहाल मैं बायोक्स का टावर, मतलब बायोक्स का ही होटल में पहुँच गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर, देखता हूँ ओपन है कि नहीं। वेबसाइट में तो लिखा है ओपन है, हाँ शायद ओपन है, मैं इनसे टिकट ले लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई नीड ए रिवॉल्विंग व्यू पॉइंट टिकट, 400 baht, राइट? ओके, गिव मी वन। इज ओपन और ओके, दिस वन, थैंक यू। सो 400 baht एक आदमी का, ऐसा मतलब रिवॉल्विंग है जो ओपन में है, मतलब आपको कोई कांच से कवर नहीं किया जाएगा, आपको पूरा हवा लगेगा। और मैं भागते भागते आया हूँ इसलिए थोड़ा सा पसीना हो रहा है। इज देयर एनी कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और लाइक दैट? एंड गेट फ्री वन डे एट द जी फ्रॉम। ओके ओके, वन। तो 83rd फ्लोर पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलेगा, चाहे वो हार्ड ड्रिंक हो या सॉफ्ट ड्रिंक हो। तो पहले मैं ऊपर जाऊँगा, व्यू पॉइंट को एंजॉय करूँगा, उसके बाद जब नीचे आऊँगा उस टाइम मैं ये ड्रिंक्स को लूँगा। सो थैंक यू। थैंक यू। ओके थैंक यू। सो कुछ इस तरीके का टिकट है और मैं अंदर जा रहा हूँ टिकट काउंटर के वहाँ पे।
क्या? सो यहाँ पे टिकट चेकिंग हो रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे रूफ टॉप पे। विच फ्लोर? 77th floor. Yes, and then change elevator to go on. Go, okay. And where is the structure? 84. Yes. So, पहले मुझे 77th floor पे जाना है, फिर वहाँ से elevator change करके मुझे 84th floor पे जाना है, और 83rd floor पे आपको एक complimentary drinks मिलेगा। तो फिलहाल lift आने दीजिए, और मैंने सुना है कि ये वाला lift Asia में सबसे fastest lift है, और ये जो KL Tower का lift है उससे भी fast है। मैंने केएल मलेशिया में जो केएल टावर में चला था ना, उसमें जो लिफ्ट है उससे भी फास्ट है ये लिफ्ट। अच्छा हुआ इस टाइम में आया, अभी 8 बज रहे हैं और 8:10 हो रहे हैं एक्चुअली। तो इस टाइम में पूरा खाली है, मतलब वरना यहाँ पे इस जगह पे पूरा लाइन लगा हुआ रहता है, लंबा लाइन लगा हुआ रहता है। तो ठीक है, अच्छा हुआ ऊपर में भी अगर भीड़ कम मिले तो अच्छी तरीके से आपको दिखा पाऊँगा। तो ये मेरा लिफ्ट आ गया है, तो अभी मैं इस लिफ्ट से जाने वाला हूँ 77th फ्लोर पे। ओके, थैंक यू। सो ये लिफ्ट 77th फ्लोर तक जाएगा, और यहाँ पे आप पूरा व्यू देख सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इस लिफ्ट से आप जब ऊपर जाएंगे ना, तो आपका कान में वो थोड़ा जो फ्लाइट में चढ़ने से होता है ना कान में, उसी तरीके का इस लिफ्ट में भी चढ़ने से होता है। अभी मैं लिफ्ट पे अकेला हूँ ये सोचिए, और एक टाइम मैं इससे पहले बार जब आया था, मतलब मैं इस तरीके से खड़ा था, और ये देखिए मेरे पीछे व्यू देखिए। और ये मैं आ गया 77th फ्लोर पे। यहाँ पे बायोक्स का एक रिप्लिका है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला होटल है, देखने में कुछ इस तरीके का है। मैं पहले ये फ्लोर घूमूंगा, यहाँ पे फोटो लेने लायक बहुत चीज़ है, और यहाँ से सिटी भी बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं पहले ये वाला जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छा तरीके है, आप पीछे जाके यहाँ से अपना सर निकल के आप फोटो ले सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों का है। और यहाँ पे बैंकॉक का जो पहले वाला रिक्शा था उसका फोटो है, मतलब एक रिप्लिका बनाया हुआ है बैंकॉक का जो सबसे पहले वाला रिक्शा है उसका। ये देखिए जैसे ये मोहतरमा कर रही है ना, कुछ इस तरीके से आप उस राजा और रानी से रानी का फोटो ले सकते हैं। और ये कुछ ओल्ड टाइप मतलब पुराने ज़माने का जो घर हुआ करता था उसका एक डिज़ाइन बना हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के फोटो ले सकते हैं। थैंक यू। और ये है बैंकॉक का द फेमस टुक टुक, संटा चला रहा है वो भी व्हीली करते हुए। अच्छा लगा। ये फ्लोर में आप फोटो लेने के लिए आ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट यहाँ पे बिताइए, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता है। और ये वाला ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे आप चढ़ के फोटो ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। ये है 77th फ्लोर, और इसका जो स्टोरी है यही है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा देर रुकना पड़ेगा, फिर 83rd और 84th फ्लोर। थैंक यू। सो 83rd फ्लोर पे हम लोग को जाना है, वहीं पे स्काई डेक है, मतलब दो लिफ्ट चेंज करके आपको जाना होगा, एक 77th फ्लोर, फिर वहां से लिफ्ट लेके आपको जाना है 84th फ्लोर पे, 83rd फ्लोर, वहां से आपको बाई स्टेयर ऊपर जाना है। सो
कि थर्ड फ्लोर आ गया है। यही है लिफ्ट से चढ़ने के लिए, यही लास्ट लेवल है, इसके बाद आपको 22 स्टेयर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से व्यू दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ से व्यू नहीं दिखाऊंगा, वरना इसका जो असली क्रेज़ है वो चला जाएगा। तो इसलिए मैं पहले आपको 84th फ्लोर पे लेके जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आके ये व्यू दिखाऊंगा। और ये रहा, और ये रहा रिवॉल्विंग व्यू पॉइंट स्टेयर है। आपको ये स्टेयर एक माला तक स्टेयर से जाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहीं से पता चल रहा है कितना जोर से हवा दे रहे हैं। सो ये आ गया द स्काई डेक, कितना जोर से हवा दे रहा है देखिए। और ये देखिए, सॉरी ये देखिए, ये रिवॉल्व हो रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आ गया हूँ डेक पे, अभी मैं आपको, मैं ये डेक पे आ गया हूँ 84th फ्लोर पे। यहाँ से पूरा शहर इतनी खूबसूरत दिखती है, इतनी खूबसूरत दिखती है, मैं आपको बिना दिखाया मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा। तो चलिए देर ना करते हुए आपको ये शहर पहले दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बैंकॉक बायोस्काई का 84th फ्लोर, और यहाँ से ये व्यू, मतलब आपको मैं दिखाया, आपको समझ ही आया गया होगा कि दिखने में कैसा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, तो पहले बात तो ये बहुत खूबसूरत लगता है पूरा सिटी, और ये बिल्डिंग सबसे ऊँचे हैं। और एक बात मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को भाटिगो है या फिर ऊँचाई से डर लगता है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा नेट से बना हुआ है और ऊपर में भी कवर किया हुआ है, तो गिरने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो फिलहाल यहाँ से जो सिटी दिखाई देता है बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ से मैं एक टाइम लैप्स आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल स्काई डेक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा 83rd फ्लोर पे, और वहाँ पे जाके ड्रिंक्स लूँगा। और ये मेरा जगह आ गया, मैं यहीं से नीचे जाऊँगा और जाऊँगा 83rd फ्लोर पे। तो फ्रेंड्स, ये आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी 83rd फ्लोर पे आ गया हूँ, और अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से फोटो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप खुद से देखते हैं बहुत बढ़िया लगता है। और ये है रेस्ट्रो, पूरा अंधेरा है, आप मुझे तो देख ही नहीं पाएंगे, शायद से ये सबको देख पाते हैं।
तो मैं रिस्ट्रो को दिखाता हूँ आपको। तो ये है रिस्ट्रो और give me one fruit punch. Thank you. So यहाँ पे आपको ऑर्डर देना है और आपको कुछ भी चीज़ आप ले सकते हैं, हार्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक्स लिया, एक फ्रूट पंच लिया। थैंक यू। ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न एंजॉय कर लिया। अभी मुझे जाना है नीचे और उसके लिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे इसी फ्लोर पे, जिस फ्लोर से मैं नीचे जाऊँगा उसी फ्लोर पे आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलेगा, जो कि 83rd फ्लोर पे है। थैंक यू। तो फिलहाल मैं लिफ्ट पे हूँ और अभी मैं जाऊँगा 77th फ्लोर पे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको ये बोलूँगा, 400 बाट इस टिकट का रेट है, इसे ज़रूर विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ और गारंटी भी दे सकता हूँ। ओके ओके, सो दिस वे। तो ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल मैं वेट करूंगा लिफ्ट का, 5 मिनट टाइम लगेगा मैक्सिमम, मतलब 5 मिनट पे ये फ्लोर पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन सा फ्लोर पे क्या है, ये रिवॉल्विंग रूफ टॉप, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मेरा काम जो असली था वो हो गया, मैं रूफ टॉप पे गया, डेक को देखा, उसको एक्सप्लोर किया, आपको दिखा पाया, टाइम लैप्स किया, बस अभी मुझे नीचे जाना है और अगर हो सके तो इंडियन रेस्टोरेंट पे जाऊंगा, अदरवाइज मैं सीधा 7-Eleven से खाना लूंगा और सीधा जाऊंगा अपने हॉस्टल पे। तो ये बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और ये मेरा ग्राउंड फ्लोर आ गया और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। इट्स अ नाइस व्यू, वेरी गुड। सो कंप्लीट हो गया, अभी मैं इंडियन लंच के लिए जाऊंगा, डिनर के लिए। इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप अपने फैमिली के साथ आइए और जिनको ऊंचाई से डर लगता है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है, कुछ डर नहीं लगेगा, ये पूरा कवर्ड है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कल मैंने आपको दिखाया था कि ये स्ट्रीट के ऊपर कुछ मार्केट था, राइट? कल था फ्राइडे और आज है सैटरडे, मतलब आज 4th December है, सैटरडे है। देखिए ये मार्केट बंद है, मतलब बंद मतलब वो बीच में जो स्ट्रीट में जो मार्केट था वो नहीं है, मतलब ये सैटरडे को बंद रहता है। मैं कल फिर आऊँगा, कल भी देखूँगा कि ये कल बंद रहता है या ओपन रहता है। मैं अभी 7-Eleven से टोटल 70 बाट पड़ा, 2 पास्ता ले लिया, तो वो 2 पास्ता हॉस्टल में माइक्रोवेव है, उसमें गर्म करेंगे, और कोक तो फ्री है ही हॉस्टल में, यकीन मानिए ये 2 पास्ता आपका पेट भर देगा। तो आज का डिनर 7-Eleven से हो गया 70 बाट पे। मैं आज इंडियन फूड इसलिए नहीं लिया, एक तो पूरा दिन आज टायर्ड था, क्योंकि आज सफारी वर्ल्ड गया था, उसके बाद अभी ये किया, तो अभी जाके रेस्ट लेना है थोड़ा सा, इसलिए मैं 7-Eleven से खाना ले लिया। तो ये था आज का पूरा टूर और अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आता है या मेरे वीडियो से आपको कुछ जानने को या सीखने को मिलता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी दबा दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आके पहुँचे। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट, फिर मिलेंगे कल एक नया टूर के साथ। थैंक यू।